हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी की बहुत ही प्यारी लिखी हुई कहानी आश्वस्ती। मुश्किल से दो लोटे पानी शरीर पर डाल पाई होगी कि बाहर से मुन्ना ने आवाज़ दी, अम्मा मैं निकल रहा हूँ। वे तो एकदम हकबका सी गई। तो क्या उसके निकलने का समय हो गया और उन्हें किसी ने बताया भी नहीं। आ रही हूँ बेटे, उन्होंने भीतर से आवाज़ दी और किसी तरह चार बूंद पानी शरीर पर छींटकर उठ खड़ी हुई। कितना भी चाहो इस उम्र में हाथ पांव जल्दी जल्दी चलते भी तो नहीं। हड़बड़ाहट में साबुनदानी हाथ से छिटक कर दूर गिर गई। तौलिया बाल्टी में जा पड़ा। किसी तरह कपड़े फंसाकर बाहर निकली तो याद आया कि चश्मा तो बाथरूम की खिड़की में ही छूट गया है। उसे लेने दोबारा जाना पड़ा। लोटी तो बुरी तरह हाँफ रही थी। अपनी धड़कनों की आवाज़ जब कुछ सामान्य हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि घर में एकदम सन्नाटा है। सुबह से तो एकदम हड़दंग बची हुई थी। जगदीश, उन्होंने रसोइये को आवाज़ दी, सब लोग कहाँ चले गए? हवाई अड्डे गए हैं न जी। सुनकर भी तो स्तब्ध रह गई। क्या 5 मिनट रुक नहीं सकते थे? नहाने ही तो गई थी, कोई समाधि में तो नहीं बैठी थी। ऐसा भी नहीं कि नई नवेलियों की तरह घंटों उपटन मलती हूँ। बस गई और आई, पर किसी से उतना सब्र भी नहीं हुआ। उन्हें तो रोना ही आ गया। सुबह से पीछे पड़ी थी कि नहाने को पानी दे दो, पर किसी ने सुना ही नहीं। संस्कार कह लो कि वहम कह लो, पर वे चाहती हैं कि अगर कोई यात्रा पर जा रहा हो तो घर भर को उससे पहले नहा लेना चाहिए। यूं तो घर भर नहा भी रहा था, बस एक उन्हीं के लिए कभी बाथरूम खाली नहीं था, कभी पानी गर्म नहीं था। अपना जमाना होता तो क्या वे इतनी देर तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती? पर यहाँ उनका बस नहीं चलता। पानी जो है बिजली से गर्म होता है। और बहुरारी ने ताकीद कर रखी है कि अम्मा जी आप मत छूना, जब भी ज़रूरत हो किसी से कह दिया करना। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वैसे उसका कहना ठीक भी है, बिजली क्या किसी का लिहाज करती है, इसलिए तो नौकरों की चिरौरी करनी पड़ती है। आज भी जगदीश से सुबह से कह रखा था, पर भले आदमी ने पानी तब दिया जब मुन्ना बाबू बिल्कुल चलने को तैयार खड़े थे। मुन्ना बाबू को भी चलने की ऐसी उतावली मची कि अम्मा के लिए 2 मिनट रुक भी न सके। दुख और हताशा से उनका मन भारी हो गया, पूजा करने की इच्छा ही नहीं हुई। ठाकुर जी को नहलाने के लिए तांबे की थाली में निकाल तो लिया, पर फिर संज्ञा शून्य सी बैठी रही। किसके लिए है ये पाठ पूजा, किसके लिए है ये जप तप व्रत उपवास? अपना कौन है जिसके लिए भगवान के आगे हाथ जोड़े, नाक रगड़े? सब बेकार है। पर दूसरे ही क्षण उसका मन उन्हें धिक्कार उठा। यह भी कोई बात हुई? उनके कलेजे का टुकड़ा, उनकी आँखों का तारा सात समंदर पार जा रहा है, तो क्या वे उसकी सलामती की दुआ नहीं मांगेंगे, उसकी सकुशल वापसी नहीं चाहेंगे? आजकल कैसी कैसी तो खबरें आ रही हैं, सुनते ही दिल दहल उठता है। ऐसे में एक ईश्वर का ही तो सहारा है, और वे हैं कि उन्हीं से राल ठाने बैठी हैं। मुन्ना नहीं रुका तो उसकी भी कोई मजबूरी होगी। कोई बस थोड़ी ही है जो 5-10 मिनट रुकवा लो। हवाई जहाज का मामला है, वहाँ तो समय से पहुँचना ही पड़ता है। वैसे बेचारा माँ की कितनी कद्र करता है, कितनी पूछ परख करता है, बिना मिले दफ्तर भी नहीं जाता। रोज रात को सोने से पहले 5-10 मिनट आकर बैठेगा, कुछ पढ़कर सुनाएगा, सिर दबा देगा या पैरों पर बाम मल देगा। कल रात तो कितनी देर तक बैठा रहा, पूरे महीने भर की गोलियां ले आया था। रात वाली और दिन वाली गोलियां अलग अलग करके अलग अलग शीशियों में डाल दी, उन पर निशान लगाकर देर तक उन्हें समझाता रहा। फिर चलते हुए बोला, अम्मा तुम्हें मेरी कसम है मैं जब तक बाहर रहूंगा तुम बीमार नहीं पड़ोगी। ऐसे गुणी बेटे से क्या नाराज हुआ जाता है? ऐसा बेटा क्या हर किसी को नसीब होता है? वो तो ठाकुर जी की कृपा रही कि उनकी कोख से ऐसा हीरा पैदा हुआ। अपने को किसी तरह प्रकृतिस्थ करके उन्होंने पूजा में मन लगाया। रोज की आदत थी सो वे यंत्रवत सारी विधियाँ करती चली गई, पर माला जपते समय उनका मन फिर भटक गया। पता नहीं कितना पुराना इतिहास याद आने लगा। कुल जमा 3 साल का तो था जब उसके बाबूजी चल बसे थे, तब से कलेजे से लगाकर पाला है। कैसे कैसे जतन किए,
कितने कष्ट सहे, इसका कोई हिसाब है? हर माँ अपने बेटे के लिए ऊंचे सपने देखती है। उन्होंने भी देखे थे, पर सबके सपने पूरे कहाँ होते हैं। यह कमाल तो उनके बेटे ने कर दिखाया है, माँ की तपस्या सार्थक कर दी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा, नौकरी मिली तो इतनी शानदार कि नौकरों की पलटन आगे पीछे घूमती है। गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, बहू भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बस जरा नकचड़ी है। अब पति के साथ बंबई गई है तो हुलास के मारे सास को प्रणाम करने तक की याद नहीं रही। वैसे उसका भी दोष नहीं है, उसे वैसे संस्कार मिले ही नहीं हैं। माँ को देख लो तो सब समझ में आ जाता है। ठाकुर जी ने एक सुख छीन लिया पर उसके बदले में भर भर कर दिया भी है। उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर दिया। तभी गाड़ियों की आवाज़ से उनकी विचार श्रृंखला टूटी। लोग बाग शायद लौट आए थे। बहू की माँ और भाई धड़ धड़ाते हुए पूजा घर तक चले आए। फिर पता नहीं क्या सोचकर भाई बाहर खड़ा रह गया। माँ जूते उतारकर अंदर आ गई। लीजिए बहन जी, आपके बेटे बहू को हवाई जहाज पर चढ़ाए हैं हम लोग। अच्छा किया, उन्होंने सूखे से स्वर में कहा। आप तैयार नहीं थे, नहीं तो आपको भी ले चलते। उनका मन भक से जल उठा। उन्हें ले जाने वाली ये कौन होती हैं? वे तैयार नहीं थी, ये बात अलग है। उस किस्से को इनके सामने दोहराकर अपनी बेजारगी जाहिर नहीं करेंगी। पर तैयार भी होती तो क्या चली जाती? कभी नहीं, मुन्ना ने एक बार भी तो उनसे नहीं कहा। अपनी कटे बालों वाली, लंबे नाखूनों वाली, ऊंची सैंडल वाली सास को तो शौक से ले गया। गिरपीट अंग्रेजी जो बोलती है, अपनी सिलबिलती अम्मा को कहाँ ले जाएगा? शर्म नहीं आएगी? अपने आहत अभिमान को मन में छिपाकर बोली, हम तो कभी किसी को छोड़ने नहीं जाते, हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो घर से ही विदा कर देते हैं। आंटी, ये आप बहुत अच्छा करती हैं, टिंकू का मामा बोला। एयरपोर्ट पर जाना तो सचमुच बेकार है, भीतर तो जाने नहीं देते, बाहर से ही टाटा करना पड़ता है, फिर न लौटते बनता है न खड़े रहते, बस जाली में से टुकुर टुकुर देखते रहो, आप होती तो परेशान हो जाती। समधिन ने मनुहार की, आज खाना हमारे साथ खाइएगा, अकेले में मन नहीं लगेगा। मैं तो हमेशा से ही अकेली थी बहन, अब तो आदत हो गई है। आपकी बहू रानी हमें जता कर गई है, मैं तो मनीष को छोड़ने सीधे बंबई पहुंच रही थी, पर माया ने फ़ोन किया कि मम्मी आप यहीं आ जाओ, आप रहोगी तो हमें अम्मा जी की चिंता नहीं रहेगी, मैं इनके साथ बंबई जा सकूंगी। समझ लीजिए कि एक तरह से वह हम पर जिम्मेदारी डालकर गई है। समधिन की बात से दर्प झलक रहा था, उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, पर सौम्य और संयत स्वर में बोली, आप इत्मीनान रखिए बहन, दो दिन में मैं कोई दुबली नहीं हो जाऊंगी, आपकी बेटी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद समधिन क्या कहती, चुपचाप उठकर चली गई। बाद में लगा कि वे सचमुच ठीक कह रही थी, खाने को जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी। नियत समय पर आसन चौकी बिछाकर जगदीश उनकी थाली लगा गया, पर वे निश्चल बैठी रही। जब वह दोबारा फुल्का लेकर आया तो हैरान होकर बोला, ये क्या अम्मा जी, आपने तो अभी तक थाली छुई भी नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है बेटा, पर पता नहीं क्यों भूख मर गई है, मन बड़ा ख़राब हो रहा है। क्यों माँ जी? तुम्हारे साहब मुझसे मिले बिना कभी दफ्तर भी नहीं गए, और आज परदेश जाते समय उन्हें अपनी अम्मा से मिलने तक का होश नहीं रहा। आवेग के कारण उनका गला ही रुंध गया। जगदीश ने चौकन्नी नज़र से इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर बोला, हम तो नौकर आदमी हैं हुजूर, कुछ कहते अच्छे भी नहीं लगते, पर अब क्या बताएं, साहब तो बड़ी देर तक आपके कमरे में इंतजार करते रहे, पर माँ बेटी ने ऐसी चिल्लोपो मचाई कि क्या बताएं। बोली, क्या एक दिन नहाना धोना देर से नहीं हो सकता? आदमी को समय देखकर चलना चाहिए, बस अपनी पड़ी रहती है, दूसरों की तो कुछ परवाह ही नहीं। साहब को यह सब शायद अच्छा नहीं लगा, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। इस आख्यान के बाद तो सामने रखा खाना जहर लगने लगा, पर सोचा कि नहीं खाएंगी तो ये प्राणी दुखी भी होगा और डांट भी खाएगा, अन्य देवता का अपमान होगा सो अलग, इसलिए पहली परस खाकर ही उठ गई। पूरा दिन उन्होंने कमरे में ही गुजार दिया। बहू का भाई कोई फिल्म ले आया था, सारा घर उसी शोर में डूबा रहा, पूरा अमला उसी को देखने में मगन था।
उन्हें चाय भी 6 बजे के बाद नसीब हुई, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। शाम को थोड़ा सा लॉन में टहल ली, संध्या बाती की और फिर कमरे में आ गई। रात का खाना उन्होंने एक अरसे से छोड़ रखा है, फल फूल लेती हैं, आज उसके लिए भी मना कर दिया। समधिन ने दो एक बार संवाद साधने की कोशिश की, पर दोनों की दुनिया इतनी अलग है कि पटरी बैठना मुश्किल था। 10 बजे माला लेकर वे बिस्तर पर आ गई, यह उनका रोज का नियम है। नींद को मनाने से अच्छा है राम का नाम लिया जाए, थककर मन अपने आप निढाल हो जाता है। वे नाम स्मरण में तल्लीन थी कि जगदीश आकर फ़ोन पकड़ा गया। साहब बात करेंगे, ये फ़ोन आजकल अच्छा चल गया है, कहीं भी पकड़ा दो। कांपते हाथों से उन्होंने कानों पर लगाया, उधर से आवाज़ आई, अम्मा मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। कहो बेटे, कैसे फ़ोन किया? उन्होंने सपाट स्वर में पूछा। सुबह तुम्हारा आशीर्वाद नहीं ले पाया था ना? आशीर्वाद तो बेटा मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम फ़ोन न भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सुबह अगर 5-10 मिनट रुक जाते तो अच्छा लगता, या मुझे ही अगर पता होता कि तुम्हारा समय हो गया है तो मैं बाद में नहा लेती, पर किसी ने बताया भी नहीं। ओफो अम्मा, इतनी सी बात पर कोई रोता है भला? मुन्ना ने टोका तो उन्हें भान हुआ कि बात करते करते वे रो पड़ी हैं, बकायदा सुबक रही हैं। सुबह से जो रुलाई कलेजे में जम गई थी, बेटे की आवाज़ सुनते ही उमड़ पड़ी है। अम्मा सुन रही हो ना? हाँ बोलो, उन्होंने घुटी सी आवाज़ में कहा। मैं कोई 1-2 साल के लिए थोड़ी जा रहा हूँ जो तुम इतना परेशान हो रही हो, महीने भर की बात है और माया तो परसों ही लौट आएगी। तुम कब निकल रहे हो? सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, वहाँ पहुँच कर फिर फ़ोन करूँगा, जब भी समय मिलेगा फ़ोन करता रहूँगा। इस बीच तुम अपना ख्याल रखना, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, दवाइयाँ समय पर लेना, तबीयत जरा भी गड़बड़ लगे तो माया से कहना, वह फ़ौरन डॉक्टर को बुला देगी। संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारा घर है अम्मा, तुम्हारे बेटे का घर है, तुम मालकिन हो इस घर की, समझ रही हो ना? वे सब समझ रही थी, यह भी जान गई थी कि बहू आसपास नहीं है, तभी तो इतना खुलकर बोल रहा है। उन्हें अच्छा लगा, मन एकदम हल्का हो गया। अच्छा हुआ जो जाने से पहले उससे बात हो गई, नहीं तो यह कसक महीने भर तक मन में लिए लिए वे तो पागल हो जाती। मुन्ना के शब्द कानों में गूंज रहे थे, अम्मा ये तुम्हारा घर है, तुम मालकिन हो इस घर की। वे शान से उठकर बाहर गई। माँ बेटा टीवी से चिपके हुए थे, आप लोगों ने भोजन कर लिया? कब से? मैंने सोचा पता तो कर लूँ, बहू रानी घर में नहीं है तो यह मेरा ही फर्ज बनता है ना। तभी जगदीश दूध के 2 गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ, गिलास थाम कर दोनों ने संकोच से उनकी ओर देखा। समधिन बोली, जगदीश अम्मा जी पीती हों तो इनके लिए भी 1 गिलास बना दो। इससे पहले कि जगदीश उनसे पूछता, उन्होंने समधिन की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा, आप परेशान ना हो बहन, यह मेरा घर है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद मांग लूँगी, आप इत्मीनान रखें। और बड़े सदे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर लौट गई।